सुबह के 8 बजने वाले हैं आपके साथ, मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 15 में। आज सुबह 11 बजे हार्ट ऑफ एशिया समिट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, करीब 40 देश ले रहे हैं हिस्सा। हार्ट ऑफ एशिया समिट में ऑफिशियल डिनर में पीएम मोदी और सरताज अजीज की हुई मुलाकात, दुआ सलाम के अलावा ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अफगान राष्ट्रपति के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, दोनों ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। पीएम मोदी ने पंगत में बैठे श्रद्धालुओं को लंगर भी परोसा। स्वर्ण मंदिर में पीएम मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाने और वीडियो लेने की मची होड़, हर कोई आना चाहता था साथ। गोल्डन टेंपल पहुंचा हार्ट ऑफ एशिया में शामिल होने आया डेलीगेशन, गुरुद्वारे में टेका मत्था। अमृतसर के जलियांवाला बाग भी गया डेलीगेशन, ऐतिहासिक स्थल के लिए किए दर्शन। पीएम की गरीबों को सलाह, चंदन खातों से ना निकाले पैसा, जिन बेईमानों ने डाले पैसे सभी जाएंगे जेल। यूपी के मुरादाबाद में पीएम मोदी की परिवर्तन रैली, कहा आजादी के 70 साल बाद भी कई गांव में बिजली का खंभा भी नहीं। नोटबैन का विरोध कर रहे लोगों पर बरसे पीएम, कहा फकीरी ने दी है गरीबों के लिए लड़ने की ताकत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सिर्फ बैंकों में पैसा जमा करने से ब्लैक मनी नहीं होगा, व्हाइट देना पड़ेगा टैक्स। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नोट बैन को फिर बताया सही, बोले काले धन को रोकने के लिए और भी कदम उठाने होंगे। नोटबंदी पर ममता बनर्जी के विरोध का बाबा रामदेव ने किया बचाव, बोले ममता कर रही है लागू करने के तरीके का विरोध। बाबा रामदेव ने ममता को बताया ईमानदार, बोले ममता में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। 13,800 करोड़ का काला धन घोषित करने वाले अहमदाबाद के कारोबारी महेश शाह हिरासत में, 1,500 करोड़ की पहली किश्त भरने के बजाय हो गए थे गायब। मायावती का पीएम मोदी पर पलटवार, बताया राजनीतिक स्वार्थ, गैर बीजेपी राज्यों को कम कैश भेजने का भी आरोप। नोट बैन के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में बहस की उम्मीद, कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन का व्हिप। लुधियाना के ऑटो पास व्यापारी के घर इनकम टैक्स का छापा, 72 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। चंडीगढ़ में HDFC बैंक के 4 कर्मचारी सस्पेंड, पुराने नोट एक्सचेंज करने का आरोप, बैंक मैनेजर भी शामिल। नोट बैन से परेशान नोएडा के एक रेस्टोरेंट अब खिला रहा है मुफ्त में खाना, खुले पैसे की तंगी तक मुफ्त खाना खिलाना रहेगा जारी। जीएसटी बैठक रही बेनतीजा, 3 बिलों को नहीं मिली काउंसिल की मंजूरी, 11-12 दिसंबर को होगी अगली बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मोइन कुरैशी की पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया, शनिवार को पहुंची है भारत। कतर के पीएम शेख अब्दुल्ला से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। वोटिंग बंद होने से एक दिन पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में पीएम मोदी सबसे आगे, सर्वे में बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ाई बड़ी बढ़त। पश्चिम बंगाल में सेना का 72 घंटे का अभ्यास पूरा, रात 12 बजे के बाद से सभी टोल प्लाजों में सेना की तैनाती खत्म। पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती पर गवर्नर KN त्रिपाठी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। तो वही ममता बनर्जी का गवर्नर पर पलटवार, कहा केंद्र की जुबान बोल रहे गवर्नर। कश्मीर में हुई आगजनी और हिंसा पर उमर अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा कश्मीर की हिंसा में पाकिस्तान का हाथ नहीं। अरुणाचल प्रदेश के खौसा में सैनिकों पर हमला, असम राइफल का एक जवान शहीद, 9 घायल। मुरथल कथित गैंग रेप केस में पत्रकार तारिक अनवर पर चलेगा केस, रेप पीड़ित की मां के नाम पर दिया था गलत बयान, कोर्ट में झूठ बोलने की बात कबूल। IIM बेंगलुरु की देश के 138 शहरों में कैट 2016 की परीक्षा पूरा, जूता निकाल कर एग्जामिनेशन हॉल में जाने की इजाजत। दिल्ली में अमेरिकी महिला के साथ हुए गैंग रेप मामले में दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल, शिकायत के बाद भी दर्ज नहीं किया गया केस। दिल्ली में एक ही दिन में मिले 2 लड़कियों के शव, अभी तक नहीं हो पाई है शवों की शिनाख्त। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल दवे ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया, दिल्ली छोड़ दूसरी जगह पर वक्त बर्बाद करने का आरोप। नोट बैन के बाद दिल्ली पुलिस भी बनने जा रही है कैशलेस, ई बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट की ट्रेनिंग शुरू। दिल्ली में अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा ऑनलाइन, 2003 के बाद के सभी सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकेंगे। दिल्ली में आज से महंगी हो गई CNG, 1.85 रुपए बढ़ा दाम, रात को मिलने वाली छूट जारी रहेगी। मुंबई के हाजी अली दरगाह में तृप्ति देसाई ने की जियारत, तृप्ति ने कोर्ट के फैसले को महिलाओं की जीत बताया।
मुंबई से भोपाल जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट में हंगामे का वीडियो आया सामने, 17 लोगों ने लगाया जगह नहीं मिलने का आरोप। जारी टाटा फाउंडेशन के 150 साल पूरे होने पर लगाई गई प्रदर्शनी, बोर्डिंग पास से लेकर खास मेहमानों की भी तस्वीरें मौजूद। बॉम्बे हाईकोर्ट का शिवाजी पार्क में क्रिसमस और नए साल की पार्टी के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं देने से इनकार, कोर्ट ने कहा शिवाजी पार्क पार्टी की जायदाद नहीं। कैलिफोर्निया में ऑकलैंड के एक वेयर हाउस में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत, 25 लोग लापता, वेयर हाउस में चल रही थी पार्टी। कोलंबिया प्लेन क्रैश में मारे गए फुटबॉल खिलाड़ियों के शव पहुंचे उनके घर, ब्राजील में दी गई श्रद्धांजलि, 71 लोगों की मौत हुई थी। पूर्वी अलेप्पो में विद्रोहियों और सीरिया की सेना के बीच लड़ाई जारी, दोनों तरफ से हो रही है भीषण गोलीबारी। आईएसआईएस ने इंटरनेट पर जारी किया एक वीडियो, मोसुल के कई हिस्सों पर फिर से कब्जे का दावा। 37 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने की ताइवान के राष्ट्रपति से बातचीत, ट्रंप ने 1989 से जारी अमेरिकन पॉलिसी को तोड़ा, चीन ने जताया विरोध। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रैली, विपक्ष ने किया महाभियोग प्रस्ताव पेश। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोफेसर की चाकू घोंपकर हत्या, हमलावर छात्र भी मौके पर पाया गया मृत। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। चीन के कोयला खदान में भीषण धमाका, हादसे में 59 लोगों की मौत, शिफेंग में जारी है राहत का काम।